दुनिया का सबसे अमीर आदमी सबसे पावरफुल आदमी कौन है, जिसके पास इतना पैसा है कि पूरे इंडिया के सारे लोग एक साल में 150 करोड़ लोग मिलकर एक साल में कमाते हैं, उससे भी 3 गुना ज्यादा इस बंदे के पास पैसा है। ना नाम सुना ना इसका काम, बस इतना पता है इसके फाउंडर्स करते हैं अमेरिका की आधी जीडीपी पर आराम। जेफ बेजोस हो या इलॉन मस्क, इनको जब ये कंपनी चाहे तब खरीद के बेच सकती है, इतना पावर है इस कंपनी के पास। सिर्फ 30 साल से भी कम टाइम में ये दुनिया की सबसे बड़ी AMC यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है। लेट फर्स्ट आई टेल यू मीनिंग ऑफ द AMC। AMC का फुल फॉर्म है असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एक इन्वेस्टर या फिर एक कंपनी के बीच में लिंक क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स लोकल पब्लिक से पैसा लेता है और फिर दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करके उससे इंटरेस्ट कमा के वापस इन्वेस्टर जो कि लोकल पब्लिक थे उनको देता है। सेम यही ब्लैक रॉक कंपनी भी यही करती है, इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल से पैसा लेकर कंपनीज में लगाती है। अमेजोन एप्पल गूगल फेसबुक टेस्ला फॉक्स मीडिया इन सब कंपनीज में सिर्फ एक बात तो सिमिलर है ही सही, इन सब में बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में एक नाम कॉमन है और वो है ब्लैक रॉक। इंट्रोडक्शन टू ब्लैक रॉक। आप अभी तक हैं इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का सफर, कैसे ब्लैक रॉक बनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। इस कंपनी की नींव रखी गई आज से 35 साल पहले 1988 में लैरी फिंक द्वारा अलोंग विद देयर 7 पार्टनर्स। हालांकि जब बंदे के अंदर आग लगी हो ना तभी वो कुछ बड़ा काम करता है। ब्लैक रॉक कंपनी से पहले वो एक वॉटसन नाम की कंपनी में काम करते थे। उस टाइम पे इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज फाउंड की जो थी डेप्थ इंडिकेशंस। उन्होंने कहा जो हम छोटे छोटे लोन्स बांटते हैं उसकी जगह हम उसे पूरा बल्क में लगाएं और फिर उसे छोटे छोटे पार्ट्स में हर जगह बांट देते हैं। खैर आपने अमेरिका की 2008 वाली क्राइसिस के बारे में तो सुना ही होगा, वो इसी डेप इंडिकेशन की वजह से हुई थी जिसकी नींव रखी थी लैरी फिंक इन्हीं भाई साहब ने। The U.S. government asks the biggest commercial bank, JPMorgan Chase, to bail out Bear Stearns. जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक मंदी का दौर देख रही थी। बट फिर भी ये रुके नहीं, 23 से 31 साल की उम्र तक ये बन चुके थे बैंक के MD और इसी बीच इन्होंने उस कंपनी को $1 बिलियन का फायदा यानी प्रॉफिट करवाया जो कि लगभग 8,000 करोड़ का प्रॉफिट था। बट जैसा कि हमने हर केस स्टडी में देखा है जब इंसान पहली बार उड़ता है तो वो एक ना एक बार नीचे तो गिरता ही है, पर वो गिरता इसलिए है ताकि वो और ऊंचाई तक उड़ सके, बस इंसान को ये समझ जाना चाहिए। सेम लैरी फिंक के साथ भी यही हुआ, इन्होंने भी उस कंपनी को 800 करोड़ का लॉस दे दिया और कंपनी ने इन्हें मुंह पर कह दिया अब तुम्हारी इस कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। एंड दैट्स द पॉइंट जब आग लग गई, ऐसी आग लगी कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना डाली। So 1988 में जब इन्होंने अपनी AMC कंपनी खोलने का सफर चालू किया तो इन्हें फंड्स लाने में काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि कौन ही इन्हें फंड्स देता, अभी तो एक कंपनी का इतना बड़ा लॉस किया इन्होंने, कोई इन पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। बट एक बंदा था, लेजेंडरी बंदा था यार, जिसने इन्हें सपोर्ट भी किया और फंड्स भी दिए। इनका नाम था मिस्टर स्टीवन। इन्होंने लैरी से कहा यार मुझे तुम्हारा आइडिया काफी पसंद आ रहा है, चलो हम दोनों ही पार्टनरशिप में काम करते हैं, मैं अभी तुम्हें $5 मिलियन दे रहा हूँ, एटलीस्ट तुम काम तो स्टार्ट कर ही दो। बस दोनों की पार्टनरशिप ने कंपनी का नाम रखा ब्लैक स्टोन फाइनेंस मैनेजमेंट और कुछ ही सालों में लगभग 1989 के एंड तक इस कंपनी की वैल्यूएशन हो गई थी $2.7 बिलियन। ब्लैक रॉक के दूसरे ओनर स्टीव जिन्होंने लगभग 50% स्टेक होल्ड कर रखा था कंपनी का, अब उसमें से 10% सेल करके लगभग 40% के मालिक रहे और बाकी का 60% आ गया लैरी फिंक के पास और उनकी टीम के पास। अब 1992 में फर्म का नाम बदलकर ब्लैक स्टोन से रख दिया गया ब्लैक रॉक और उस टाइम पे ये $17 बिलियन के असेट्स हैंडल कर रहा था, मैनेज कर रहा था, जो कि लगभग होता है 1,00,000 करोड़ रुपए। और सच में यार इस कंपनी की ग्रोथ देखकर अच्छे अच्छे लोगों की हवा निकल जाती है। मात्र 3 साल के अंदर ही इसने अपने असेट डबल नहीं ट्रिपल करे, 1995 में ये $53 मिलियन के असेट मैनेज कर रही थी यानी कि 4.5 लाख करोड़। और उसी साल लैरी फिंक ब्लैक रॉक के चेयरमैन प्लस CEO भी बन गए और 1999 में कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हुई ओनली $14 पर शेयर के हिसाब से। और भाई हमें तो पता ही है स्टॉक एक्सचेंज में बहुत गजब का पैसा है, तो 1919 के एंड तक ये कंपनी $165 बिलियन के असेट्स मैनेज करने लगी एक्विजिशन करके और ऑर्गेनिकली पैसा कमाकर। अगर मैं आपसे कहूँ आपका कहीं ना कहीं खर्च किया हुआ पैसा भी ब्लैक रॉक कंपनी के पास ही जाता है तो यू वुड बी शॉक्ड, बट डोंट वरी लेट आई टेल यू विद प्रूफ और विद एग्जांपल। चलो फॉर एग्जाम्पल कोको कोला, अरे छोड़ो कोको कोला भी नहीं लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर नेस्ले, इन सब कंपनी में से कभी ना कभी एक ना एक प्रोडक्ट तो आपने लिया ही होगा या फिर हर मंथ लेते ही होंगे। तो यू नो इन सब कंपनीज को भी हैंडल करती है एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है पेप्सिको और उस कंपनी में भी मेजर शेयर ब्लैक रॉक के हैं।
और सिर्फ फूड इंडस्ट्री ही नहीं, ब्लैक रॉक तो जो आप ट्रिप के लिए एरोप्लेन से जाते हैं उसमें जो केरोसिन ऑयल डलता है वो भी मेजरली ब्लैक रॉक की माइन से ही आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी बहुत मेजर शेयर होल्डिंग है ब्लैक रॉक की। बेयर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सीड प्रोड्यूसिंग कंपनी है और टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग भी, इसमें भी मेजर शेयर होल्डिंग ब्लैक रॉक की ही है। यही नहीं, सोलर पैनल्स कंपनी, मेडिसिन कंपनी, मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कहीं ना कहीं चेन बनी हुई है और ये चेन ब्लैक रॉक से कनेक्ट है। इवन यूएस की गवर्नमेंट या उसके बैंक के पास भी कभी फंड्स की कमी आ जाती है ना, तो वो भी ब्लैक रॉक से ही फंड एक्वायर करती हैं। Why we don't know about this company or this person? हम क्यों नहीं जानते हैं इस कंपनी के बारे में? लेकिन ये बताने से पहले मेरी सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ऐसी वीडियोस बनाने में काफी टाइम, मेहनत और एडिटिंग लगती है, बस आपके जरा से सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप जो आप ये वीडियो देख रहे हैं आप भी अगर एक लाइक कर देंगे, आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और आपके लिए ट्रुथ बाहर निकाल के लाने का मोटिवेशन मिलता है। आई होप इस वीडियो ने आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट भी की होगी, सो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट। सो बेसिकली ये कंपनी जब इतनी बड़ी है तो क्यों मीडिया इसे कवर नहीं करती? कभी न्यूज़ या टीवी चैनल्स में हमने क्यों इसके बारे में कभी नहीं देखा? एक्चुअली ना ये चाहते ही नहीं है कि हम न्यूज़ में आए या मीडिया में आए, और ऐसा इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि ब्लैक रॉक करंटली हैंडल्स 18% ऑफ फॉक्स, 16% ऑफ CBS और 13% ऑफ कॉमकास्ट। ये भी मीडिया कंपनीज है, NBC, MSNBC और Sky। सो वी कांट इमेजिन इस कंपनी के हाथ पैर पता नहीं कहां कहां तक फैले हुए हैं। वन साइड देखें तो ये कंपनी हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकती है, क्योंकि जब ये कंपनी इतनी ज्यादा पावर हैंडल कर रही है, गवर्नमेंट को भी इससे लोन लेना पड़ रहा है, मतलब इतनी पावर आ चुकी है कॉर्पोरेट्स के पास। कॉर्पोरेट्स का मेन एम तो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है, वेलफेयर नहीं। सो इन फ्यूचर कहीं ये लोग हमारी डेमोक्रेसी को रिप्लेस ना कर दें, बट इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर। ऐसे आपका क्या मानना है? क्या इनके पास इतनी पावर है कि ये डेमोक्रेसी को आगे इन फ्यूचर रिप्लेस कर पाएंगे और अपनी पावर और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग सच वैल्यूएबल कंटेंट के साथ, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा।